यह कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो एरोप्लेन से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। बीच रास्ते में उन्हें रेगिस्तान के ऊपर से गुजरना था, लेकिन अगले पल उनके साथ जो होने वाला था किसी को अंदाजा नहीं था। प्लेन रेगिस्तान के तूफान में फंसकर क्रैश कर जाता है। क्या प्लेन में सवार लोग जिंदा बच पाएंगे? अगर बच पाएंगे तो क्या इस विशाल रेगिस्तान के तूफान को पार करके यहाँ से निकल पाएंगे जहाँ इंसानियत का नामो निशान नहीं है। कहानी के शुरुआत में एक कंपनी मंगोलिया के रेगिस्तान में, जो रेगिस्तान पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, यह कंपनी यहाँ तेल की तलाश में आई थी, लेकिन उनका यह खोज गलत साबित हुआ। वहाँ कोई तेल नहीं था, इसलिए सब वापस आते हैं। उन्हें लेने के लिए प्लेन आई थी, जिस प्लेन का पायलट फ्रैंक है। वह अपने को पायलट की मदद से सभी को अपने प्लेन में ले रहा था। सभी यहाँ से सीधा बीजिंग जाएंगे। सबके प्लेन में आ जाने के बाद प्लेन बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। प्लेन रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था, तभी तूफान भी आना शुरू हो गया। अब वे काफी अंदर आ चुके थे। अगर कैप्टन प्लेन को वापस ले गए तो उन्हें फ्यूल के आने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा उड़ान भरने के लिए उनके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं रहेगा। इसलिए कैप्टन आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। प्लेन को तूफान के और ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन प्लेन में बहुत सारा सामान था, इसलिए प्लेन तूफान में फंस चुका था। रेडियो से संपर्क भी किया गया, लेकिन सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तूफान इतना खतरनाक था जिसकी वजह से प्लेन का इंजन खराब हो गया। अब उन्हें कुछ भी करके इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन लैंडिंग करना इतना आसान नहीं था। तूफान की वजह से सामने की जमीन कैसी है यह भी नहीं दिखाई दे रहा था। यही कारण था कि प्लेन का पिछला हिस्सा जाकर टकरा जाता है एक चट्टान से, जिससे पीछे एक बहुत बड़ा होल हो गया। पीछे बैठा एक पैसेंजर वहीं से नीचे गिर गया था। नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर में प्लेन जमीन से टच हो जाती है। प्लेन घिसकता हुआ काफी दूर तक गया। प्लेन जब रुकी तो पता चला कि दो पैसेंजर और मारे जा चुके हैं, लेकिन बाहर अभी भी तूफान था। तूफान के थमने का काफी समय इंतजार करते हैं। जब तूफान कई घंटों बाद रुका तो देखते हैं कि उनका प्लेन पूरी तरह से रेत में दब चुका था। तभी दोबारा से हवाएं चलने लगी, जिससे प्लेन के ऊपर का रेत हट गया। अब ये सभी रेगिस्तान में बुरी तरह से फंस चुके थे। इनके पास जितना भी खाना पानी है सिर्फ एक महीने के लिए है। उन्हीं में से एक आदमी था जो लोगों से बताता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन ये मंगोलिया में नहीं बल्कि चाइना आ चुके थे। अगर इन्हें यहाँ से निकलना है तो इन्हें 200 मील का सफर तय करना होगा, जो लगभग 320 किलोमीटर के बराबर होता है। इन्हें अपना एग्जैक्ट लोकेशन भी पता नहीं था। रेडियो भी काम करना बंद कर दिया है, लेकिन वो आदमी फिर भी वहाँ से निकलना चाहता है। उसे बताया गया यह जुलाई का महीना है। रेगिस्तान में जुलाई का महीना सबसे गर्म होता है। यहाँ हम जितना पानी पियेंगे उससे ज्यादा पानी पसीने के रूप में निकल जाएगा हमारे शरीर से। इसलिए वे रात को सफर तय करने का फैसला करते हैं, लेकिन रात को उन्हें रास्ते का पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ मैग्नेटिक हैं, जिससे कंपास भी गलत डायरेक्शन बताएगा। यानी वह मान चुके हैं यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। रात के वक्त सभी उसी प्लेन के अंदर सोते हैं। तभी डेविड नाम का आदमी नींद से जाकर टॉयलेट के लिए जाता है। दरअसल वे जिस जगह पर थे उसके कुछ ही दूरी पर ढलान था। तभी पत्थर से उसका पैर टकराया, जिससे वह लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ चला गया। तूफान होने की वजह से वह वहीं पर भटक गया। सबको आवाज भी लगाया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सुबह होने पर सबको पता चला कि उसका साथी डेविड गायब है। उसे चारों तरफ ढूंढा गया, लेकिन कुछ नहीं पता चला, क्योंकि तूफान के बीच रेत में दब चुका है वह। अगले दिन से सभी लोग परेशान होने लगे। उन्हीं में से एक लेडी थी जो कैप्टन से जाकर पूछने लगी कि क्या हमें यहाँ से कोई बचाने के लिए आएगा, लेकिन इसका चांस बिल्कुल ना के बराबर था, क्योंकि वे रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके थे। अब तो उनके पास खाना और पानी दोनों कम थे। अगर इतने कम खाने पानी के साथ यहाँ से निकलना चाहे तो भी यहाँ से नहीं निकल सकते। दो दिन के अंदर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचेगा। इसलिए उनके पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। समय बीतने के साथ सभी की उम्मीदें टूटना शुरू हो गई। कोई उन्हें लेने के लिए भी नहीं आ रहा था। इसलिए उनमें से दो वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अपने साथ कुछ पानी को भी ले जा रहे थे, लेकिन कैप्टन फ्रैंक साफ साफ मना कर देते हैं कि यहाँ से कोई भी पानी नहीं ले जाएगा। पानी की वजह से उनके बीच हाथापाई होने लगी। तभी एलिड नाम का आदमी सबको सलाह देता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे सबकी जान बच सकती है। बताता है कि मैं प्लेन को पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसकी मदद से एक छोटा प्लेन बना सकता हूँ जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन इतनी आसानी से कोई भी एलिड की बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी एलिट को सही से जानता भी नहीं, क्योंकि वह उस कंपनी के साथ नहीं काम करता था जो मंगोलिया में तेल निकाल रही है। वह काम की तलाश में वहाँ पर आया था और पिछले 2 सालों से ही वहीं पर रहने लगा, मगर उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सभी एलिट की बात मानते हैं। अब उनके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि वे वहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन एक कैप्टन है जो उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। उसके हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े समय बाद जेम्स नाम का आदमी वहाँ से अकेले ही निकल जाता है, जिसे ढूंढने के लिए वहाँ जो लेडी थी
वह जाने लगी, लेकिन कैप्टन उसे जाने से मना करते हैं और खुद ढूंढने के लिए निकलते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते कैप्टन उस पहाड़ी के पास पहुंचे जहां पर प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था, जहां पर उनका एक साथी भी मरा पड़ा है जो प्लेन के नीचे गिरा हुआ था। उसी के बगल गोलियों के कुछ कवर भी थे, जिसे देखकर कैप्टन एक पल के लिए डर गए। थोड़ी देर बाद जेम्स भी वहां आ गया था, जिसे ढूंढने के लिए कैप्टन यहां पर आए हैं। दरअसल जेम्स यहां पर उस आदमी की घड़ी को लेने के लिए आया था। गोली के कवर और घड़ी ना होने पर ये सब कुछ समझ चुके थे। यहां पर रेगिस्तान के लुटेरे आए हैं जो उसके साथी के घड़ी को ले गए और उसके साथी के शरीर पर कई बार गोलियां भी चलाएं निशानाबाजी करने के लिए। जेट्स और कैप्टन आपस में बातें किए। इन्हीं बातों में कैप्टन उन लोगों को प्लेन बनाने देने के लिए तैयार हो गए। कैप्टन उन्हें प्लेन इसलिए बनाने नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फ्रैंक के समझाने के बाद अब ये तैयार हो चुके हैं। अब सभी प्लेन के पास पहुँचते हैं। प्लेन को बनाने का काम जोरों शोरों से शुरू कर दिए सभी लोग मिलकर। दिन में गर्मी होने के कारण ये सारा काम रात को ही करते थे, मगर एक दिन उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वे जिस फ्यूल को जनरेटर और आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वेल्डिंग करते वक्त उसकी एक चिंगारी उस पर पड़ी, जिससे जोरदार धमाका हुआ। शुक्र था कि उसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन उनका सारा फ्यूल अब बर्बाद हो चुका था। उनके पास अब ज्यादा पेट्रोल बचा हुआ नहीं है। जितना पेट्रोल है उसकी मदद से वे सिर्फ यहाँ से निकल सकते थे। फ्यूल को बचाने के लिए अब वे दिन में भी काम करने लगे। सूरज की तपती गर्मी के बावजूद भी सभी हिम्मत नहीं हारे, काम जारी रखे। अब उन्हें अपने प्लेन में एक पंख को जोड़ना था। उसे जोड़ने के लिए उनके पास एक ही मौका था। अगर पंख नीचे गिर गया तो उसे उठाना बहुत ही मुश्किल होगा। बीम को ऊपर ले जाकर धीरे धीरे नीचे की तरफ किया जा रहा था, तभी वह जंजीर टूट गई जिसमें पंख बांधा गया था। विंग बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ आने लगा, नीचे आकर टकरा जाता है प्लेन से। अब सभी लोग निराश और हताश हो चुके थे। तभी उन्हें पता चला पंख अपने सही जगह पर आकर फिट हो चुका है, यानी इनके प्लेन का सारा हिस्सा जुड़ चुका था। इस तरह सबके अंदर आशा की एक नई उम्मीद जगी, अब वे यहाँ से निकल पाएंगे। सभी मजे के साथ नाचने गाने और झूमने लगे। अब ये अपना और भी काम बड़ी तेजी के साथ करने लगे। रेत को भी हटाया गया ताकि वे एक रनवे तैयार कर सके प्लेन को टेकऑफ करने के लिए। उनकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन तेज तूफान आने लगा जिसमें बिजलियां भी गिरने लगी। सभी बचने के लिए प्लेन के पंख से दूर भागने लगे क्योंकि पंख में पेट्रोल भरा हुआ था, मगर एलिड वहीं पर रुका था। वह किसी भी हालत में प्लेन को खोना नहीं चाहता, मगर कुदरत किसी पर भी रहम नहीं बख्शती। उसके पास भी बिजली गिरने वाली थी, मगर कैप्टन आकर उसे बचा लिए। अगर एलिड को कुछ भी हो जाता तो कोई नहीं है जो उस प्लेन को बना सकता था, वही एक है जो प्लेन को बना सकता है। प्लेन में अभी बहुत काम करना बाकी है। समय बीतने के साथ धीरे धीरे इनका खाना पानी दोनों खत्म होने लगा। अगले ही रात वे रेत के चट्टान पर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो टेंट लगाकर सोए हुए हैं। वे कोई और नहीं बल्कि वही लुटेरे और स्मगलर हैं जो इस सुनसान रेगिस्तान के रास्ते हथियार का सप्लाई एक देश से दूसरे देश में करते हैं। फ्रैंक चाहता है कि हमें उनके पास जाकर पानी के लिए मदद मांगनी चाहिए, लेकिन एलिट मना करता है। इसके बावजूद भी कैप्टन अपने साथी के साथ पानी के लिए मदद मांगते हैं, लेकिन उनके बचे हुए साथी पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। अगर कोई खतरा हुआ इसके लिए वे तैयार रहेंगे क्योंकि उनके पास गन भी है। वे जब उन स्मगलर से पानी मांगे तो स्मगलर उनके एक साथी पर गोली चला दिया। यह देख पीछे छुपे फ्रैंक और उनके साथी उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिए। इस फायरिंग में सभी लोग मारे जा चुके थे, लेकिन एक स्मगलर था जो वहां से भागने में कामयाब हो गया। फ्रैंक के पास मौका भी था उस पर गोली चलाने का, लेकिन वह हत्यारा नहीं था इसलिए उसे छोड़ दिए। उनमें से मरे हुए एक स्मगलर के हाथ में वही घड़ी थी जो उनके साथी की थी, जो प्लेन के चट्टान से टकराने के बाद प्लेन से नीचे गिर गया था। लेकिन एक आदमी था जो गोली लगने के बाद भी जिंदा है। सभी उसे मारना चाहते हैं कि इसने उनके साथी को मारा है, लेकिन कुछ लोग उसे नहीं मारना चाहते। इसके बावजूद भी एलिट उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से फ्रैंक और एलिट के बीच काफी बहस हो गई। एलिट सारा दोष फ्रैंक को ही देने लगा कि तुम कैप्टन हो, तुम्हारी वजह से प्लान क्रैश हुआ। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उन लोगों से पानी मांगने के लिए गए, हमारे एक साथी की जान भी गई तुम्हारी वजह से। गुस्से में आकर कैप्टन एलिट को एक पंच मार देते हैं, इसलिए एलिट नाराज हो गया। अब वो जहाज को बनाने को भी तैयार नहीं था, कहने लगा कि मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब आराम करते हो, इसलिए सभी एडिट से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम ही हम सबके बॉस हो। कैप्टन भी माफी मांगता है, इसलिए अब सभी लोग मिलकर प्लेन को बनाने का काम शुरू करते हैं। काफी समय प्लेन को बनाने का काम किया जाता है, तभी उनमें से एक दूरबीन की मदद से देखता है कि जो स्मगलर वहां से भाग गया था वो अपने साथियों की मदद से वहीं पर आ रहा था, लेकिन उनके पास नहीं आते। सारे हथियार तो ये लोग ले लिए हैं। स्मगलर को पता है कि जल्द ही इनका खाना पानी खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे, तब हम इन पर हमला करेंगे। इधर ये लोग जहाज को बनाने का काम जोरों शोरों से किए थे।
अब जहाज का काम लगभग पूरा हो चुका था। इसी बीच एलिट को एक मैगजीन मिली जिसमें जहाज के कई सारे मॉडल्स थे, जिसे देखकर सबको पता चला कि एलिट सिर्फ बच्चों के लिए एरोप्लेन का मॉडल तैयार किया है, आज तक उसने कभी भी इतनी बड़ी प्लेन नहीं बनाई है। ये बात जानकर सभी उस पर गुस्सा होने लगे। कैप्टन उस पर गोली भी तान लेता है कि तुम इतने वक्त से हमें बेवकूफ बना रहे थे, एरोप्लेन उड़ने वाला नहीं है। लेकिन डेविड को यकीन है कि प्लेन जरूर उड़ेगा। इतने में उनकी तरफ एक खतरनाक रेगिस्तानी तूफान आता हुआ दिखाई पड़ता है। हवाएं इतनी तेज थी जिसकी वजह से उनका प्लेन थोड़ा थोड़ा उठने लगा। यह देखकर सभी समझ चुके हैं कि यह प्लेन उड़ेगा, उनकी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जब तूफान थमा तो उनका प्लेन रेत के नीचे दब चुका था। सभी लोग अभी तक परेशान हो रहे थे कि पता नहीं उनका प्लेन उड़ेगा या फिर नहीं। सभी अपनी उम्मीद को सपनों में लेकर प्लेन को रेत से बाहर निकालते हैं, उसे उस जगह पर ले जाते जहां पर रेत नहीं थी। अब प्लेन को स्टार्ट किया जाता है मगर थोड़ी देर में प्लेन बंद पड़ गया। ऐसे ही लगातार कई बार कोशिश की गई, अंत में फाइनली प्लेन स्टार्ट हो गया। प्लेन की आवाज़ सुनकर स्मगलर भी उनकी तरफ बढ़ने लगे। वे घोड़ों पर गन लेकर उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बड़ी तेजी के साथ आ रहे थे। इतने में ये सभी लोग भी प्लेन पर चढ़ चुके थे। प्लेन के पंखों को पकड़कर लटक गए क्योंकि प्लेन कुछ इस तरह बनाया गया था कि उसके अंदर बैठने का भी जगह नहीं था। एक बहुत बड़े हवाई जहाज की मदद से यह प्लेन बनाया गया है। प्लेन रनवे पर बढ़ना शुरू हो गया था। पीछे घोड़ों पर सवार स्मगलर गोलियों से फायरिंग भी करने लगे, लेकिन प्लेन अब रुकने वाला नहीं था, ना ही किसी को गोली लगी। तभी सामने देखते हैं कि एक बहुत बड़ी खाई थी उनके सामने। देखते ही देखते प्लेन खाई में गिर जाता है। स्मगलर को लगने लगा कि ये सब मारे गए। तभी अगले ही पल प्लेन खाई के बाहर निकलता है हवा में उड़ता हुआ। इस तरह सबकी जान बच चुकी थी। सभी के खुशी का ठिकाना नहीं था, सभी खुशी के मारे झूमने लगे। उनके इतने समय का मेहनत रंग लाया। इस खतरनाक रेगिस्तान से ये निकलने में कामयाब हुए जहाँ से निकलना नामुमकिन सा था। ये विशाल रेगिस्तान को पार करके आगे बढ़ने लगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि रेगिस्तान में मीलों दूर इंसानियत का नामो निशान नहीं है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिलहाल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।